नमस्ते दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि पर्व की और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बौद्धोत्सव की। और इन दोनों विषयों पर ही आज हम बात करने वाले हैं, उन अंध विरोधियों की कि जिनको हर जगह हर स्थान पर केवल विरोध करना होता है। सबसे पहला विरोध सोनू सूद ने स्टार्ट की, इसकी शुरुआत की, और उसने कहा कि महाशिवरात्रि के पर्व पर एक दूसरे को फोटो शेयर ना करें, फॉरवर्ड ना करें, बल्कि इस समय में आप किसी की सहायता करें। यहाँ पर लोगों का प्रश्न ये था कि कोई भी ग्रीटिंग भेजने के लिए पहले हम शुभकामनाएं देने के लिए किसी के पास पहुँचते थे या फिर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। आजकल हमारे पास में किसी की सहायता करने के लिए समय बचाने का एक सबसे आसान उपाय है, वो है टेक्नोलॉजी। सोनू सूद जिस ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व तक पहुँचे, और वहाँ से उन्होंने उन लोगों की सहायता ही नहीं की बल्कि उसका खूब गुणगान भी कराया और उसका प्रचार और प्रसार भी किया। अर्थात हमारी परंपरा में एक आ जाता है कि एक हाथ से अगर तुम किसी की सहायता कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन महाशय सोनू सूद जी ने अगर किसी की सहायता की है, अगर वो सहायता की थी सितंबर में, तो उसका जो प्रचार प्रसार था ये कहकर के भी करवाया कि हमने ये सहायता नवंबर में की है, नवंबर में आवाज उठी और हमने नवंबर में उसको रिजॉल्व कर दिया। पिछले दिनों इस बात के घोटाले के ऊपर काफ़ी सारी चर्चाएं भी हुई हैं, और यही नहीं, इस पूरे के पूरे सहायता घोटाले पर काफ़ी सारे प्रश्न भी उठे हैं, उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया। लेकिन सीधे सीधे क्या हुआ कि सोनू सूद जी ने यहाँ महाशिवरात्रि पर ये प्रश्न उठा दिया। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये था कि जब कोई व्यक्ति किसी को कोई भी पर्व पर ग्रीटिंग भेजता है तो किसी ना किसी तरीके से तो भेजेगा ही, वो फ़ोटो फॉरवर्ड नहीं करेगा तो फ़ोन करके बोलेगा, फ़ोन भी नहीं करेगा तो उसके पास पहुंचेगा। लेकिन सहायता करने में ये ग्रीटिंग भेजना, ये फ़ोटो फॉरवर्ड करना या शुभकामनाएं देना कहाँ अड़चन पैदा करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए दूसरे पक्ष पर चलते हैं। मैं सुबह से सोच ही रहा था कि भाई अभी तक किसी ने ज्ञान नहीं पेला, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है तो कोई ना कोई ज्ञान पेलने वाला तो आएगा ज़रूर। सोनू सूद ने उस कमी को पूरा कर दिया। लेकिन जब हमने इनका इतिहास खंगाला तो यह जो विरोध है इनका, ये कोई नई बात नहीं है। दीपावली पर भी ये ऑलरेडी इस तरीके की जो ज्ञान है वो झाड़ चुके हैं, पेल चुके हैं। लेकिन जब क्रिसमस आता है तो ये खुद वहाँ पर सेंटा क्लॉज बनकर के खड़े हो जाते हैं, और ये खुद उन लोगों को क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे होते हैं। जिस ईद पर बेजुबान जानवरों की गर्दनें काटी जाती हैं, यह व्यक्ति उस ईद पर ग्रीटिंग्स भेजता है, उस ईद को ये सेलिब्रेट करने की बात करता है। लेकिन जब दीपावली आती है, महाशिवरात्रि आती है, तो इनके अंदर का ज्ञान निकल करके बाहर आ जाता है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी फिल्में देखने के लिए 3 घंटे का समय बर्बाद ना करें। सिनेमा तक पहुंचने में और वहां से वापस आने में, भीड़ से निपटने में बहुत सारा टाइम लगता है। ऊपर से जो 300 रुपये का टिकट और 400 रुपये का वहां पर जो खाना होता है वो पैसे गए अलग से। इन कराची वुड़ियों की फिल्मों का बायकॉट कीजिए, उस समय को बचाइए, क्योंकि किसी को महाशिवरात्रि पर कोई शुभकामना संदेश भेजने में हो सकता है 5 सेकंड लगे, फॉरवर्ड ही तो करना है। लेकिन यहाँ इनकी फिल्म देखने में पूरा दिन बर्बाद होता है, प्लस आपके 1000 रुपये भी लगते हैं। इस सब को छोड़िए और किसी की सहायता कीजिए उस समय में, और उस समय में कुछ ढंग का साहित्य पढ़िए। अब आते हैं विरोध नंबर 2 पर। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बौद्धोत्सव भी है। कुछ लोगों ने यह कहकर के विरोध स्टार्ट कर दिया कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो थे वो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे, वो हिंदू समाज के लिए बड़े घातक थे। मैं इन लोगों का विरोध नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन लोगों से इतना सा कहना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी हुई जो भी पुस्तकें हैं या आर्य समाज के द्वारा जितनी भी लिखी हुई पुस्तकें हैं, इन सबको बिल्कुल मत पढ़िए। आप लोग जिस राह पर चल रहे हैं उस पर चलते रहिए, लेकिन आपको यहाँ पर एक कार्य करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विरोध करना है और बहिष्कार करना है तो पूर्ण रूपेण कीजिए, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वो जो कुछ भी मलेच्छ भेजते हैं हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए, वह कुछ भी पढ़ करके आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतिहास पूरा मालूम हो
होता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आर्य समाज ने सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी दिए? मैं किसी महापुरुष की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइएगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने तैयार किए हों और जिन्होंने स्वतंत्रता की का जो समर था उसमें कहीं पर भी कोई युद्ध लड़ा हो या भारत की आज़ादी के लिए कोई कार्य किया हो। कोई भी व्यक्ति आप यदि इतिहास उठा करके देखेंगे तो सावरकर जी भी महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे। आपको सावरकर जी का बायकॉट करना पड़ेगा। हेडगेवार जी पक्के आर्य समाजी थे और उनके पिताजी भी पक्के आर्य समाजी थे। आज जो आरएसएस का स्वरूप है ये तकरीबन तीसरे और चौथे जो गुरुजी हुए थे उनके बाद हुआ था। दूसरे जो गुरुजी थे गुरु गोलवलकर जी वो स्वयं इसी भाषा का प्रयोग करते थे जो महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किया है। काफ़ी सारे हमारे आरएसएस के भाई बहन हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन उनको गुरु गोलवलकर जी की जो विचारधारा है उसको पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सिर्फ ये कहा कि यह रात्रि जो है वो केवल जागरण की रात्रि ना बन करके रह जाए, ये जागृति की रात्रि बने। जागरण और जागृति में फर्क है और इतनी सी बात लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आपको किन किन चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा। हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सभी मंदिरों में सबसे पहली जो आरती होती है वो ओम जय जगदीश हरे की होती है। ओम जय जगदीश हरे में एक जगह पर आता है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। क्या आप जानते हैं कि अगोचर का मतलब क्या होता है? अगोचर का अर्थ होता है जो कि आपके चर्म चक्षुओं से दिखाई ना दे, अर्थात जो साकार ना हो यानी कि निराकार हो और जिसको हम ज्ञान के चक्षुओं से ही देख सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सिर्फ इतना कहा कि आप योग के जो तपो बल है उसकी दृष्टि से जो चर्म चक्षुओं की सीमाओं से परे है उस महादेव के दर्शन करने हेतु उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। भोग विलासिता में पड़े रह करके आप इन चर्म चक्षुओं से ही देख पाते हैं, उनसे कभी भी आपको महादेव के दर्शन नहीं हो सकते हैं, तो आपको इनका भी पूर्ण रूपेण बायकॉट करना पड़ेगा। अब क्या आप जानते हैं कि भारत की तरफ से सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जी हाँ, वो थे राकेश शर्मा जी। और ये राकेश शर्मा जी कौन थे? ये पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी के पौत्र हैं। ये अभी भी हैं और ये अभी आर्य महासम्मेलन में भी आए थे जहाँ पर रचित भाई ने इनका इंटरव्यू भी किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सन 2022 में जो हमारा मिशन चंद्रयान है उसकी पूरी तैयारी पंडित राकेश शर्मा जी ही कर रहे हैं, तो आपको इस मिशन का भी बायकॉट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको नियुक्त करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बायकॉट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी बायकॉट करना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्हीं पंडित जी ने भगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया था, क्योंकि भगत सिंह जी का पूरा परिवार जो था वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, तो आपको भगत सिंह जी का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। आपको लाला लाजपत राय जी का भी बहिष्कार करना पड़ेगा और आपको साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल जी का भी बायकॉट करना पड़ेगा और आपको अशफाक उल्लाह खान जी का भी बायकॉट करना पड़ेगा। जी हाँ, अशफाक उल्लाह खान जी राम प्रसाद जी के बहुत अच्छे मित्र थे। अशफाक जी हमेशा यही कहा करते थे कि काश मैं भी राम प्रसाद बिस्मिल जैसा ही होता और मेरा भी पुनर्जन्म होता और मैं वापस आकर के अपने देश की दोबारा से सेवा कर पाता। दोस्तों, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अंध विरोध तो होता है लेकिन पूरी जानकारी लोगों के पास में नहीं होती है। श्रद्धानंद जी, जिन्होंने लाखों लोगों का शुद्धिकरण कराया और उन्होंने पहली बार रैगर समुदाय के लिए जमीन पट्टा देकर उनके घर बनवाए और कन्याओं के लिए सबसे पहले गुरुकुल आर्य समाज ने बनवाए। आज यदि आप भारतवर्ष में जो गुरुकुल देखते हैं उनमें सर्वाधिक संख्या जो है वो आर्य समाज के गुरुकुलों की है। आपको यदि विरोध करना पड़ेगा तो आपको करपात्री जी महाराज जी का भी विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्य समाज के बहुत नज़दीकी थे। और यही नहीं, इंदिरा गांधी के समय में जो गाय को बचाने हेतु सबसे बड़ा आंदोलन चला था, जिस आंदोलन में इंदिरा गांधी ने गोलियां तक चलवा दी थी, उस आंदोलन में करपात्री जी महाराज के साथ में आर्य समाज के सन्यासी और आर्य समाज के लोग ही सर्वाधिक मात्रा में थे। करपात्री जी महाराज के इतने सघन संबंध आर्य समाज के सन्यासियों और उनके कार्यकर्ताओं के साथ में थे, उन्होंने ही उस पूरे के पूरे आंदोलन को बल दिया था।
लेकिन क्योंकि विरोध के नाम पर विरोध होना होता है, इस वजह से ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो अपने छद्म नामों से मलेच्छ इनके बीच में घुस करके आर्य समाज का विरोध करवाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर चलते चलते आपको एक और बात बता दूँ कि आर्य समाज के जो यज्ञ स्थान होते हैं उनको भी आर्य समाज मंदिर कहा जाता है। अक्सर आप लोगों को यह कहकर के भड़काया जाता है कि दयानंद जी ने मंदिरों का विरोध किया था। नहीं, उन्होंने कभी भी मंदिरों का विरोध नहीं किया, बल्कि एक बार उनके शिष्य ने कहा था कि यहाँ से रोड जा रही है, मैं यहाँ का इंजीनियर हूँ और इस रास्ते में ये मंदिर आ रहा है, आप कहें तो मैं इस मंदिर को हटवा दूँ। महर्षि जी ने कहा कि मुझे मंदिरों से कोई नफरत नहीं है, मुझे मंदिर नहीं हटाना है, आप अपने रास्ते को मोड़ दीजिए, मंदिर को खरोंच नहीं आनी चाहिए। और उसका कारण समझाते हुए महर्षि जी ने उस इंजीनियर को कहा कि मैं सिर्फ लोगों के दिल में जो पत्थर है उसको पिघलाना चाहता हूँ, मेरा पत्थर से कोई भी बैर नहीं है। इवन उन्होंने जब भाष्य लिखे तो वो भी पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर में बैठ करके लिखे। उन्होंने कभी भी अपने इष्ट देवों के देव महादेव से अपनी जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, उसको इतर नहीं किया, बल्कि यज्ञ में भी महादेव की उपासना उन्होंने आवश्यक समझी। तो दोस्तों, केवल विरोध के नाम पर विरोध ना करें, पूरी बात को समझिए। अगर हमारा वाचन, हमारी उक्ति है कर्णवंतो विश्वमार्यम, और यदि कोई व्यक्ति आर्य का कार्य कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको समस्या कहां पर है। इस वजह से आर्य समाज को ढंग से ना समझ करके भी बहुत सारा विरोध होता है। उस विरोध के नाम पर किए गए विरोध को सही से समझें, और यदि आपको विरोध ही करना है तो आपको विरोध ढंग से करना चाहिए और उस हर चीज का करना चाहिए जो आर्य समाज से जुड़ी हुई है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और विरोधियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा आप लोग मारना चाहते हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे।